बंदा तो शर्म के मारे मर जाएगा। मतलब एक होता है ना बंदा कि भाई बिग बॉस में आए, बिग बॉस मेरे इस मोहल्ले में स्वागत है समर्थ का। इनके मुताबिक ये ईशा के करंट बॉयफ्रेंड। मैं बोलूंगा मैं भी चीख सकता हूँ, मैं भी चीख सकता हूँ, मैं भी चीख, मैं करूंगा, मैं ऐसा ही हूँ, मैं करूंगा, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। तरस नहीं क्या है परिणीति चोपड़ा सर। अच्छा तू बड़ा जानता है सारी उम्र। ओ हे गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारा टॉपिक है बिग बॉस 17 के ऊपर। तो भाई मैं पूरा शो रेगुलर देख रहा हूँ और भाई उसमें ना बहुत सारी चीजें। अच्छा तो एक एक करके आपको एक एक चीजें बताऊंगा। तो भाई पहली चीज है हमारे जो अनुराग दोबाल है UK07, उसको भाई बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, बहुत ज्यादा इंटरनेट पे भी और बिग बॉस में भी। बिग बॉस में इसलिए उसकी कोई भी बात रखी नहीं जा रही, मतलब वो कोई अपना भी ओपिनियन नहीं दे रहा। सलमान खान और बिग बॉस दोनों उसकी बात काट कर और इंटरनेट पे भी बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहा है, बहुत ज्यादा जोकर वाले फेस में कि कुछ भी बोले उसके आगे मुंह पर स्टिकर लगा देना जोकर वाला, कुछ भी बोले तो जोकर वाला स्टिकर लगा देना। तो बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहा है। ठीक है एक एक दो दो वीडियो दिखाता हूँ आपको। पहले इसकी विनर मटेरियल को हम लाइट में लेके आ रहे हैं, ये आप ही की शिकायत थी ना, विनर मटेरियल हो आप लाइट में क्यों नहीं आ रहे हैं? तो ये लीजिए फुल लाइम लाइट लीजिए। नहीं नहीं सर मैंने विनिंग मटेरियल नहीं बोला था। आपको एग्जैक्ट लाइन बताता हूँ कि ये लोग हमें विनिंग मटेरियल की तरह नहीं दिखा रहे, हम नहीं दिखा रहे या आप खुद नहीं दिख रहे हो। आ जाओ म्यूजिक कम ऑन दिखाओ भाई भाई भाई। नहीं ये वाला स्टेप नहीं। आप इस घर में बैठे बैठे शिकायत कर रहे थे और इस शिकायत किसके लिए? इसके लिए इसके लिए शिकायत हाँ ये इसके लिए ये सारी ऐसा था, मतलब कि उसने अपना ओपिनियन रखा कि भाई सारे जो भी आ रहा है तो वो सारे टीवी एक्टर्स को पूछ रहे हैं पहले, ये मतलब मुनावर अंकिता वंकिता को, हमको क्यों नहीं पूछा? यूट्यूबर को कोई पूछ ही नहीं रहा। तो उसने अपना ओपिनियन रखा कि हमारे साथ चीटिंग हो रही है। तो भाई सलमान खान ने अगले वीकेंड वार पे आकर तो उसने ऐसा करा कि आओ डांस कर दिखो। भाई बंदे को डांस नहीं आता, तो बंदे ने फिर भी थोड़ा बहुत डांस कर दिया, फिर भी उसके एक्शन करके उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसको मतलब नेगेटिव दिखाया जा रहा है पूरा बिग बॉस में। तुम देखो मतलब सलमान खान को देखो ठीक है, और वो बिग बॉस में मतलब बिग बॉस कुछ भी बोलता है तो वो कुछ भी बोलते हैं तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं बिग बॉस और सब हंसते हैं। और फिर वो इंटरनेट पे आके, तुमको पता ही इंटरनेट पे बहुत बंदे, बहुत जल्दी बंदे ट्रोल होते हैं। आपसे ज्यादा भला किस में दम है? आपके सामने तो बिग बॉस भी पानी कम है। नहीं नहीं बिग बॉस में बुरी सिचुएशन में हमेशा ऑटोमेटिकली आगे आ जाता हूँ। अनुराग ने जोक मारने की कोशिश करी तो वो इंटरनेट पे ट्रोल हो गया ठीक है। एंड थर्ड सलमान खान ने पूछा कि मनारा को कि आपकी बहन का नाम क्या है, मतलब वो कुछ भी ऐसे बोल रहे थे तो उसने बोला कि परिणीति चोपड़ा। तो उतने बदतमीजी तरीके से बात करी सलमान खान ने, उसका इतनी बदतमीजी तरीके से। और अच्छा यहाँ पर इनको डुप्लीकेट पार्वती पार्वती नहीं क्या है सरस नहीं क्या है परिणीति चोपड़ा सर। अच्छा तू बड़ा जानता है सारी उम्र। इंटरनेट पर आके वो ट्रोल हो गया, मतलब इतना बंदे बंदे वो गलत दिखा रहे हैं और वो इंटरनेट पर आगे ट्रोल हो रहा है, वो गलत दिख रहा है बहुत ज्यादा। और मेरा रिश्ता तुझे और मुझे पता है हाँ। तो हमें किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है इस घर में, जिसकी जो मर्जी आ रही है जिसकी कोई राइडर के साथ कैसे लिंक अप कर रहा है। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, मतलब। और सेकंड बात ये यहाँ पर अभिषेक कुमार आते ही चिल्लाना स्टार्ट, मैं ऐसा ही हूँ मैं ऐसा ही हूँ मैं ऐसा ही हूँ। ओपिनियन बता के चला गया, हम भी बताएंगे। मेरे को नहीं करनी है इस बारे में बात, जब बिग बॉस बोलेंगे तब मैं करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा। अरे तो मैं जब वो बोलेंगे तब कमरा डिसाइड करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा, प्लीज बार बार मत बोलो। मैं ऐसा ही हूँ 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 मैंने नॉर्मली अरे मैं ऐसा ही हूँ मैं ऐसा ही हूँ मैंने बोल दिया जी सकता हूँ मैं भी चीज मैं करूंगा मैं ऐसा ही हूँ मैं करूंगा मैं ऐसा ही हूँ मैं ऐसा ही हूँ मतलब कुछ बातों में ऐसे ही, क्योंकि वो मतलब देखा होगा बिग बॉस पहले के सिद्धार्थ शुक्ला वाला, सिद्धार्थ शुक्ला आसिफ वाला तो उसकी तरह ही बनना चाहता है, उसने शो में भी बोला है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ।
तो मैं ऐसे ही बनूंगा, तो फिर आते ही वो मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, बार बार मत बोलो मैं ऐसा ही हूँ, 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 ठीक है। और भाई अब आया अपना ये चिंटू, मतलब ये समर्थ, ईशा का बॉयफ्रेंड। ईशा इतनी बड़ी दोगली थी, इसने नहीं बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड है बाहर, सबको मना करती थी। तो वो समर्थ की एंट्री देखो, वो कैसे आया था। मेरे इस मोहल्ले में स्वागत है समर्थ का। इनके मुताबिक ये ईशा के करंट बॉयफ्रेंड है। एंट्री देखी, एंट्री के करने के बाद भी बंदी बोल रही है कि तू मेरा बॉयफ्रेंड है, तू मेरा बॉयफ्रेंड बोल क्या है समर्थ, क्यों बोला? मैं क्या लगता हूँ तेरा? ईशा दोस्त है। हाँ दोस्त है, तू क्यों बोल कर आया? मैं दोस्त लगता हूँ? क्या बात है, बंदी आकर उसको मना कर रही है कि तू मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मतलब कैसे हो सकती है भाई, बंदा बॉयफ्रेंड बोल के आया है, सब प्रूफ दे के आया है, और वो इतना बोल रहा है कॉन्फिडेंस से, हाँ मैं बॉयफ्रेंड हूँ, बंदी मना कर रही है। और फिर दो तीन दिन बाद फिर देखो क्या कर रही है, उसके साथ बैठ कर कंबल में। देखो भाई कुछ तो दिमाग लगा लो, इतना ये फैमिली शो है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बंदे देखते छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तो देखते हैं कलर्स टीवी पे, भाई मत करो ये सब चीज़ें, गलत दिख रहे हो बाहर। और ये देखो कंबल में क्या कर रहे हैं, और ऐसे के किस विस क्या, भाई गलत चीज बहुत। तीसरे को इंक्लूड मत कर, अरे यार मत कर यार, अरे यार मेरे को उधर दे, अरे यार मत कर ना प्लीज, मत कर बोल ना, तेरे मन में कुछ तो रह गया, बोल बोल ना। गलत दिख रहा है बाहर, बहुत ज्यादा गलत। और भाई अपना लास्ट बंदा, अपना मुनावर भाई, ये बढ़िया खेल रहा है अभी तक, एक नंबर खेल रहा है बिल्कुल, अपनी शायरी वायरी के साथ एक नंबर बढ़िया बंदा चल रहा है अभी तक। इसने कुछ भी नहीं करा, गेम की तरह गेम की ही लाइन में चल रहा है, गेम की तरह गेम की लाइन में चल रहा है। और अपना ये UK07 अनुराग भाई, ये खेलना चाहता है बट इसको खेलने नहीं दे रहे, इसको नेगेटिव दिखा रहे हैं, इसको बिग बॉस नेगेटिव दिखा रहा है, बिग बॉस इसकी बात सुन नहीं रहा, इसका ओपिनियन रख नहीं रहा, गए सब कुछ नेगेटिव दिखा रहे हैं, बिग बॉस से लेकर बाहर के ऑडियंस जो है ना सब नेगेटिव, सब जोकर वाले फेस बना के सब कुछ। लोग ना फिर इनसिक्योर भी होते हैं सब चीजें, हाँ। तो यू हैव टू डिफेंड योर इमेज, ऐसे लड़की मैं तेरे को बता, ऐसे लड़की कुछ भी बोले मतलब कुछ भी, उसने एक स्टेटमेंट दी और सारी उम्र तो जोकर वाला फेस लगाकर ये गाना लगा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना वो बंदा बाहर आके देखेगा कि भाई मेरे ऑडियंस भाई कितनी साथ दे रही है, बस उसको देखेगा कि भाई बंदे ऐसा कर रहे हैं। जितनी फोटोज है ना, ओके ये जाके कैमरेज पे लगा दे, ओके तू दिख नहीं रहा, तू सब जगह दिखेगा मैं बता। सारी उम्र में बंदा तो शर्म के मारे मर जाएगा, मतलब एक होता है ना बंदा कि भाई बिग बॉस में आए, बिग बॉस में आप बाहर निकले, बिग बॉस के बाहर निकले और भाई अच्छी ऑडियंस लेकर, अच्छी फैमिली लेकर यूट्यूब की, मतलब कॉन्फिडेंस से बाहर निकल रहे हैं, पर वो बंदा नहीं, वो बंदा की सब नेगेटिव कर रहे हैं, उसकी फैमिली मतलब यूट्यूब की ऑडियंस ही नहीं बढ़ रही, कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब बदला जो बंदे थे ना उसके वही है बस। जैसे एलबी यादव गया था अंदर बिग बॉस के अंदर, गया 5 पॉइंट कुछ मिलियन पे गया था, बाहर आया तो 12 पॉइंट कुछ मिलियन थे उसके। तो भाई ये यही है बस, बिग बॉस को जिसको गलत दिखाना होता है वो गलत दिखाता है, जिसको अच्छा दिखाना होता है अच्छा दिखाता है, जिसको नेगेटिव दिखाना होता है उसको नेगेटिव दिखाता है। बट बिग बॉस बहुत गलत कर रहा है, बहुत सलमान खान सब बदतमीज से बात कर रहे हैं इससे, अनुराग भाई से, और एलविश के टाइम पर बात करते ही थे बदतमीज से, पहले तो आप करके बात करते थे, और इसके टाइम पर बहुत बदतमीज से बात हो रही है, क्योंकि पता था एलविश यादव तो झाड़ देगा, बट ये नहीं है ना, इसको ओपिनियन रखने नहीं दे रहे। और भाई बाकी सब बढ़िया बंदे खेल रहे हैं, ये 3-4 बंदे थे जो मेरे नज़रों में खटक रहे थे बहुत दिनों से। भाई मैं तो पूरा शो देख रहा हूँ, मतलब पूरा इंटरेस्टिंग है, कुछ कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग है, कुछ कुछ चीज़ नहीं है, मतलब एपिसोड देखो, लाइव नहीं देखता, एपिसोड देखता हूँ। तो भाई यही थी मेरी वीडियो, पसंद आए तो भाई लाइक करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो वॉचिंग, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, जय श्री राम।